ज्यादातर यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो समूह और आंगनबाड़ी से, वो कह रहे हैं कि हमें अधिकारियों के द्वारा दबाव बना के यहाँ पे भेजा गया। नाराज खत्म हो रहा है, सरकार जो बन रही है मजबूती के साथ चल रही है। अभी कुछ लोगों को बसपा और सपा चाहिए, सुविधाएं नहीं चाहिए। क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं कि महंगाई की बात जहाँ तक आप लोग कर रहे हैं, महंगाई कोई भी सरकार आएगी, इतनी बड़ी आबादी वाला देश, इतनी बड़ी आबादी वाला प्रदेश, इतना विकासशील प्रदेश देश है, तो महंगाई ऑटोमेटिक कोई भी गवर्नमेंट आएगी इससे कई गुना लोग बढ़ाएंगे। लेकिन इसमें जो है बहुत गलीमत है, सारे चीज़ उपलब्ध हो रहे हैं, घर घर मिल रहे हैं, गुंडा राज खत्म हो रहा है, सरकार जो बन रही है मजबूती के साथ चल रही है, इससे बढ़िया नहीं कुछ। महंगाई थोड़ा मोड़ा आता रहेगा, ये जनता अपना चलेगी, कोई बात नहीं है, लेकिन सरकार अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, बहन बेटियों की इज्जत को लोग ध्यान देने का काम कर रहे हैं, ऐसी गवर्नमेंट हमें होनी चाहिए, सभी लोग खुश हैं। 2022 में आजमगढ़ में कितने सीटें बीजेपी निकालेगी? देखिए हमसे पूछेंगे, अगर मैं बीजेपी का समर्थक हूं बोलो 10 जीतेंगे, 10 जीतेंगे। हाँ बिल्कुल, और आप क्यों नहीं जीतेंगे आप बताइए? नहीं ये हम कहाँ कह रहे कि नहीं जीतेंगे, हम आपसे पूछ रहे कितने जीतेंगे। अच्छा क्यों क्या नहीं लगता आपको? आप क्यों नहीं लगता, जब देश बदल रहा है तो आजमगढ़ भी बदलेगा यार, कन्फर्म है 10 जीतेंगे। 10 के 10? हाँ तो कितनी टोटल कितनी सीटें निकाल लेंगे आपकी 2022 में योगी? अरे 360 योगी जी ने बोला है ना जी। हाँ तो फिर मान सरकार बनेगी फिर से योगी जी की 22 में, एकदम बनेगी। 400 लेकिन 403 ही सीट है ना यूपी में, लेकिन वो 400 के पार जा रहे हैं, 403 जा रहे हैं। अरे वो अखिलेश जी जा रहे हैं, अखिलेश का नाम मत लो यार। आजमगढ़ को आज बड़ी सौगात मिली है जी जी, ये आजमगढ़ के लिए बहुत बड़ी सौगात है। और कुछ हमारे आपके पास? सिर्फ सीट जीतने हारने का सवाल है? नहीं ये भी एक सवाल है, और हमारे पास ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो विपक्ष लगा रहा है कि काफी ज्यादा महंगाई हो गई इस सरकार में, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? 2 वर्ष का कोरोना काल जी और देश का विकास, ये दोनों को पहले देख लीजिए फिर महंगाई की बात करिए। आप बताइए कोरोना काल में देश की आर्थिक स्थिति सुधरी है या बिगड़ी? सुधरी है, ये सरकार कह रही है कि स्थिति खराब हुई है, आप कह रहे हैं कि सुधरी है? आपको लग रहा है ये खुद योगी सरकार कह रही है कि आर्थिक स्थिति, और माननीय मोदी जी भी ये कह रहे हैं। अभी अभी इसी मंच पे आपको एक आंकड़ा सरकारी पेश किया गया जिसमें ये कहा गया उत्तर प्रदेश की आर्थिक अवस्था पूरे देश में 2 नंबर पे थी, जो पहले 6वें नंबर पे थी, उसके बाद आप कह रहे हैं सरकार कैसे कह रही है? सरकार का एक जिम्मेदार अभी कह रही थी कोरोना काल में, या सरकार कह रही थी अभी तो कोरोना में सुधार आया? भाई सुनिए, कोरोना में तो सारी चीजें अस्त व्यस्त थी, तो उसमें तो इकोनॉमी की बात ही सोचना हमारी आपकी मूर्खता है। नहीं नहीं ये हमारी आपकी मूर्खता नहीं, ये सरकार ये बात कह रही है। सरकार ने अपनी सही बात कही कि उस समय पे जहां काम नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा है, व्यवस्थाएं नहीं है, और उसमें लोगों को जिंदा बचा के रखना सरकार की प्रथम वरीयता थी, उसमें कहां से आप ये समझ सकते हैं कि सरकार बहुत अच्छा कर पाएगी? नहीं तो बताए, अगर आर्थिक स्थिति सुधरी थी तो ये आम आदमी वैसे भी परेशान था, तो ये महंगाई जो इतनी ज्यादा बढ़ी है, ये आपको आम आदमी परेशान दिख रहे हैं जो आए हैं यहां पे जितने आए हैं यहां पे, तो आम आदमियों से बात किए हैं, ज्यादातर यहां पे जो महिलाएं हैं वो समूह और आंगनबाड़ी से, वो कह रहे हैं कि हमें अधिकारियों के द्वारा दबाव बना के यहां पे भेजा गया कि आप जाइए वहां पे, वो आपको कुछ सरकार देगी, बट यहां पे समूह के जो जितने भी लोग हैं सब नाराज दिख रहे हैं। समूह में कितनी संख्या होगी? समूह मान लेते हैं आपकी बात, समूह की कितनी संख्या होगी? संख्या ये मेरे पास ये आंकड़ा नहीं है इसका, नहीं है यहां पे जितने भी थे समूह आंकड़ा है, और किसी एक के कह देने से आपने मान लिया कि सरकारी समूह के लिए काफी लोगों से हमने बात की, तो और भी लोग खड़े हैं देख लो, काफी लोगों से, मैं भी तो खड़ा हूं, मैं तो समूह में नहीं काम करता। तो आप नहीं करते ना, तो जो समूह में नाम उससे बात की है तो उससे मैं यही पता चला। देखिए आप एक चीज समझ लीजिए, आप बाल की खाल निकालने पर लगे हैं जी, तो जी। सारे समर्थक लोग नहीं आते जी, है ना जी। नारा तो दूसरे के कार्यक्रमों में दूसरे का भी लग जाया करता। ये तो यहाँ भी लगा था, यहाँ भी लगा था, लगा था वो। तो ऐसा नहीं है, दूसरी चीज हर व्यक्ति समर्थक नहीं होता, वो समझ नहीं आता मुझे क्या करना है, कोई रहा होगा उसमें से जो आपको ऐसा बोल दिया उसने? नहीं यहाँ पे समूह के हमें काफी महिलाएं मिली। आजमगढ़ की भौगोलिक स्थिति को आप नहीं जानते हैं, जानिए अभी बदलने में लोगों को समय लगेगा, सबके घर तक हर चीज पहुँच रही है, लेकिन उनको अभी चाहिए क्या? बसपा और सपा, समझ रहे हैं? अभी 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 कुछ लोगों को बसपा और सपा चाहिए, सुविधाएं नहीं चाहिए। ये जो साड़ और गाय छोड़ दिया, लोगों की फसल बर्बाद हो रही है। हाँ फसल लोगों की बर्बाद हो रही है, उनका वो हमारे गौ माता की एक मात्रा है कि वो छोड़े हैं, कि ये मतलब नहीं कि खा रहे हैं उसको, तो देखभाल करिए। क्या माता जी कभी आपकी नुकसान करती हैं? आप बोलिए, इस सवाल का हमें जवाब दीजिए। नहीं आपकी माता जी कभी आपका नुकसान करेंगी? नहीं नहीं अगर आप माता जी उनको बोल रहे हैं बोलिए।